बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं घोड़ा चौक पहुंचा हूँ अस्तोर में। तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए थे, मेरा शूज़ टूटा हुआ था, लेकिन मुझे था कि जब मैं अस्तोर जाऊंगा वहाँ से इसकी मरम्मत करवाऊंगा। तो फिर रसीदों में सोचने लगे कि पिछले बार क्यों बन रहा है। फिर रसीद दादा लाया, ठीक है अच्छा मून भाई तो नहीं होना। अगर आप लोग मिनिमम जाते हैं तो आपके पास कोरोना सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर जिनका पास सर्टिफिकेट नहीं है वो यहाँ से अब प्रिंट निकलवाएंगे ताकि मिनिमम के लिए आगे उसको लेके जा सके। आगे इधर वाला कमरा देखें। ओके कर दे बस, देखे तो सही। ओके कर दे। आप देख ददू, आपका एक्सपीरियंस है, आपने क्या 15 ऊपर ही रखा नहीं। अच्छा ये शम्मास भाई का कब्जा हुआ है और ये मोदी खान का। अभी खाएंगे फलिया की माँ। बस राणे ने कहता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम खलीची। सुबह सुबह का बकायदा नाश्ते का टाइम हो गया है। भाई आपको हमारा खाने का डब्बा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अभी नाश्ते का ऑर्डर दे दिया है, यहाँ से नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे हम लोग अस्तोर की तरफ। रेडी 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 ये भाई ऐसी रेडी 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 रेडी। अल्लाह हाफिज़ जी। ये मेरी माशाल्लाह सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है आंटी आप माशाल्लाह व्लॉग देखती है अपने बेटे के। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। यार मोटरसाइकिल पंचर मैं लुआना, मोटरसाइकिल तुसी ला लिया थे यार। खलीची में स्टे किया था, केके आज को छोड़ेंगे, अस्तोर की जानिब जाएंगे। तकरीबन 2 घंटे का रास्ता। इसको कर देते हैं 0-0 ताकि ये पता चले कि हमने आज कितने किलोमीटर किया है। When you're out in the cold with all the warmth my devoted heart holds, I'll be kind to you the rest of my जोहर के वक्त जूते हैं हम लोग अस्तोर में। तो बड़ी गर्मी थी यहाँ पर, माहौल अच्छा हो जाएगा आगे जाके। नहीं मोटरसाइकिल कितनी मोटरसाइकिल नहीं आ सकती है थे। हाँ रस्ते जैसी गल्ला बातें करते रहे हैं कि इन्होंने 15 की गड़ाई लगी थी, इन्होंने किसी सूरत नहीं पहुंचना। शक्ला वेखन वाली होगी। अच्छा जी अभी लाला करके लश्कर कॉल पहुंचे। अच्छा लश्कर कॉल पहुंच गए थे, उन्होंने जो क्या मोटरसाइकिल नहीं लेके जानी तो फिर रसीदों में सोचने लगे कि पिछले बार क्यों बन रहा है। फिर रसीद दादा लाया, ठीक है अच्छा मून भाई तो नहीं होना। मैंने भावां जानी होते तुम्हें घोड़े पक्के हो गए शमस भाई ते मिर्जा साहब चलो पैदल टुर जाएंगे वो घोड़े इन्हां दे पक्के ने फिर अभी तुर पे अभी रस्ते जो सोचते सोचते जो तुम कहेगा कि यार इन्हों का की हाल होना हाल होना जो वापस आया हम लोग मोटरसाइकिल देखी अगे मैं ना मैं पहले इतने होश उड़े कि मैं ना ध्यान च नहीं आया देखा कि यार जी जैकेट है पाक में ले ली वो वेख के भा जी है शम्स भाई सब तो अगे सर इन्होंने मैं आके चला एवं गले लगे उधरों फिर अभी वापस आया उधर लक्ष्मी वहाँ पे ट्रैकिंग होती है जहाँ पे बाइक नहीं हो जा सकती। हाँ। 800 बंदा वहाँ पे गया हुआ है, उसने मोटरसाइकिल वहाँ तक ले गई भी है। एक बाइकर कैसे ये बर्दाश्त कर ले के 800 मोटरसाइकिल पहले गई हुई है और वो वहाँ पर पैदल चला दे। मैं तो कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। हाँ। मैं ट्रैकिंग वहाँ पे करूँगा जहाँ पर मुझे पता होगा यहाँ पर बाइक नहीं जाती, फिर चाहे वो 100 किलोमीटर की भी हो मैं कर लूँगा। अस्तोर पहुंच गए हैं। कराक्रम से अस्तोर 44 किलोमीटर। अगर आप लोग मिनिमम जाते हैं तो आपके पास कोरोना सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर जिनका पास सर्टिफिकेट नहीं है वो यहाँ से अब प्रिंट निकलवाएंगे ताकि मिनिमम के लिए आगे उसको लेके जा सकें। और साथ में मोबाइल वगैरह चेंज करवाना शमस भाई ने, मेरा सब कुछ ओके है, मुझे कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। नहीं रेस नहीं लगानी अभी, थोड़ी सी गर्मी। हाँ लग गया ओके। यहाँ तो बहुत गर्मी हुई है और कल शाम में बारिश हुई है वो बड़ी तेज। अब उसके बाद से बादल है, बारिश नहीं हुई। चलिए बंद करें फोन। आपने पिंडी की साइड से तो नहीं आना, उधर से आना। वो तो सही जगह डूबी भी है, डूबने दे उसके भी, मैं तैर के आऊँगा। अल्लाह हाफिज़ यार ना अभी गर्मी कम हो गई है। शम्स को ज़रा डस्ट एलर्जी हो गई थी, उसको पीछे इंजेक्शन वगैरह लगवाया है, मेडिसिन ले के दिया है। इसके अलावा आप सब पीछे पीछे आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं चिलम की ओर। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो ये हो जाएगा दूँ उतार के उतारूँ। हम ब्रोघिल से आ रहे हैं, ये ब्रोघिल ने ये हाल किया इसका। ओए होए होए होए। अभी मैं घोड़ा चौक पहुंचा हूं अस्तोर में। तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए थे, मेरा शूज़ टूटा हुआ था, लेकिन मुझे था कि जब मैं अस्तोर जाऊंगा वहां से इसकी मरम्मत करवाऊंगा और बड़ी अच्छी है मरम्मत कर रहे हैं। लगता है कि मेरे शूज़ जो हैं वो अब बाकी का जो टूर है ये सारा का सारा आराम से निकाल लेंगे। अभी अस्तोर से निकले हैं, हर लोग जिससे भी देखा है सब लोग रामा मेडोज जा रहे हैं और हम लोग मिनीमर के लिए। शूज़ मेरे टूट गए थे, काफ़ी बुरी हालत हो गई थी, घर जाके ज़ाया करने, लेकिन उससे पहले सोचा कि चलो ये टूर तो पूरा कर दें, इसलिए थोड़ी सी उसकी मरम्मत ही वो करवा ली है। अभी मामलाते रोड कंडीशन काफ़ी खस्ता हो रही है, थोड़ी थोड़ी गोरी कोट की तरफ हम लोग जा रहे हैं इस वक्त। यहाँ से चिलम चौकी जाएंगे और कोशिश करेंगे आज का स्टे चिलम चौकी में करें। When you're out in the cold with all the warmth my devoted heart holds, I'll be kind to you the rest of my days. यार दो छोटे कप छोटे और एक अंडा कट करके साथ। अभी सूप पियेंगे। गोरीकोट पहुंच गए हैं, बाकी सब राइडर पीछे हैं, हम लोग तेज करके आ गए हैं। थोड़ा यहाँ से सूप शूप पीते हैं, अंडा खाते हैं। मोहन भाई और मैं, उनको नहीं पता कि मैं सूप तैयार करवा रहा हूँ। जबरदस्त करके है मेरा भाई, वाह छोटा छोटा छोटा। the food contained with the soup in there. अभी हम गदई से चिलम की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में होटल मोटल भी हैं, काफ़ी सिस्टम है। यहाँ का जो व्यू है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो पहाड़ी सिलसिला है, ये कश्मीर के साथ रिलेट करता है। और यानी कि इसको आप अगर चाइना बॉर्डर वाली साइड पे जाते हैं उसके साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते, इसको आप स्कर्दू के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इसको आप चित्राल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये कश्मीर साइड का इसका जो जियोग्राफिकली जो इसका व्यू है, जो यहाँ का सिस्टम है पहाड़ों का, ये आज़ाद कश्मीर से ही रिलेट करता है। और आज़ाद कश्मीर से अगर रिलेट करता तो आपको फिर ये डेफिनेटली पता होगा कि ये फिर ठंडा भी है, ठंडा है तो फिर सुकून भी है, सुकून है तो फिर राइड भी मज़े की है। तो हो रहा सब कुछ मिला के एक दिलकश, एक खूबसूरत, एक ज़बरदस्त एक सफ़र है। अगर आप लोग अस्तोर से मिनी मर्ग की तरफ जाते हैं, दियोसाई की तरफ जाते हैं, साथ में ये एक दरिया चल रहा है, बड़ा खूबसूरत दरिया है, बड़ा साफ पानी का दरिया है। और यहाँ पर लोकल लोग जो हैं वो अच्छी खासी फ़िशिंग कर रहे हैं। मैंने देखा है जगहों जगहों पे छोटे छोटे बच्चे फ़िशिंग कर रहे हैं। मैंने सुना कि यहाँ पर तकरीबन कोई आधा किलो से लेकर पाया से लेकर 9-9 किलो के लोगों ने यहाँ से फ़िश पकड़ी हुई है, ट्राउट। तो अभी मुझे पीछे भी एक भाई मिले थे, वो कह रहे थे कि वापसी भी आपने हमारे पास रुकना है, मैं ट्राउट का शिकार करूंगा और आपके लिए रखूंगा। तो देखते हैं वापसी के ऊपर उनसे मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती है। फिलहाल मेन टारगेट हमारा चिलम चौकी पे पहुंचना है। थोड़ा सा आगे आए हूँ, यहाँ पर अभी बारिश हो के हटी है। यहाँ पे तो आखिरी सिस्टम चल रहा है भाई। और ये गाय के बच्चे और गायें बार बार आ जाती हैं और मुझे उनसे बहुत डर लगता है। ये देखो, जिधर को जाओ ना उधर को मुड़ जाती हैं। KKI से 44 किलोमीटर अस्तोर और अस्तोर से 44 किलोमीटर 10 करम ये गांव है छोटा सा, ये आ गया है। और यहाँ से तकरीबन कोई आधा घंटा मज़ीद आगे चिलम चौकी रहेगी। एक छोटा सा ये गांव है। And all them lonely faces, them rush out subway trains, the things that you know deeply but can never be explained. I'll be kind to you the rest of my days. Season Hotel and Restaurant आधी टीम यहाँ पर फंसी हुई है, आधी टीम पीछे फंसी हुई है। पीछे वाले कह रहे हैं आगे, आगे वाले कह रहे हैं पीछे हैं। पहुँच के देखते हैं क्या माजरा है। इधर वाला कमरा देखें। ओके कर दे, बस देखे तो सही। ओके कर दे। ददू आपका एक्सपीरियंस है, आपने क्या? अच्छा आगे नहीं जाएगा कि पहले यहाँ पे देखेगा? अभी हम होटल में पहुंचे हैं। बड़ा अच्छा एक बड़ा रूम मिल गया है। और जब भी आप ग्रुप राइडिंग करते हैं तो सबसे पहले आते इस तरह से कब्जा करते हैं बिस्तरे के ऊपर। ये जज साहब ने कब्जा कर लिया है, ये मुन्ने का कब्जा हुआ है, ये शम्मास भाई का कब्जा हुआ है और ये मोदी खान का। फिलहाल हमारा कब्जा होने के बाद अब हम लोग चलते हैं बाहर, देखते हैं कोई फिशिंग का क्या सिस्टम हो सकता है। फिशिंग करने का बहुत दिल कर रहा है। मुन भाई हम सब अपना कब्जा कर रहे हैं। कब्जे वाली जगह को हाथ लगाने का मतलब है कि आपने कानून लाने जंग है। तो इकबाल साहब की जगह रहेगी। इकबाल साहब आप आ गए हैं, आपको जो जगह को समझ में आएगी वो आप जगह ले लें। हम लोग मछली का शिकार के लिए जा रहे हैं और ये भाई हमारे लिए लेडी फिंगर तैयार टकाटक क्या तैयार कर रहे हैं मुन भाई? लेडी फिंगर तैयार कर रहे हैं। अभी सबसे बेस्ट टाइम है फिशिंग का। हमारे पास प्रॉपर सामान तो नहीं है फिशिंग के लिए, लेकिन शाम का वक्त सबसे बेस्ट होता है ट्राउट को पकड़ने के लिए। कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास एक कुंडी है, एक कुंडी हम लोग ऊपर ही भूलाए आते शिकारी पाए गए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक कुंडी से ही काम चल जाए। वैसे फ्रांस की जो कुंडी है वो अच्छी होती है, हमारे पास चाइना की है, लेकिन चलो कुछ ना कुछ अल्लाह ताला मदद करेगा इंशाल्लाह। कोशिश तो बहुत की कि शिकार हो जाए, लेकिन मेरे पास लंगर ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था, चाइना का था, फ्रांस का नहीं था। फ्रांस का होता तो ज़्यादा चांसेस है कि मुझे कोई ना कोई फिशिंग हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये अंधा शिकार है, इसलिए इसमें एक इतनी कोई मायूसी वाली कोई ख़ास बात नहीं है। फ़िलहाल ऊपर जाएंगे, जाके अब मेरा ख्याल है लेडी फिंगर के साथ रात का खाना खाएँगे। चने सुबह करने हैं कि अभी बस मान वापस सारा यखनी गोश्त सवेरे टाइम ना लगे, ठीक है ना। ये लो जाए बोंग ले लो, ये गरम करते हैं। एक खाना वगैरह खा लिया है और सब लेट गए हैं, आप बस मैं भी सोने लगा हूँ। सुबह के लिए तैयारी कर रहे हैं इंशाअल्लाह, सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे उठ के चिलम चौकी पहुँच जाएंगे 8 बजे तक, ताकि 10 बजे से पहले पहले हमारी एंट्री हो जाए। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बड़ा एंजॉय किया, फिशिंग के लिए गए, खाना खाया और यहाँ पर आके हम लोगों ने स्टे कर लिया। आज का इतना ही ब्लॉग था, सब मौसम भाई को याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, साथ साथ रहो। इंशाअल्लाह ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे, सब अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। ये पूरे का पूरा बीच में घुस गया है। अभी दोमेल में पहुंच गए हैं, खूबसूरत किस्म के ये फूल लगे हुए हैं। इसके चक्कर में बाग में जो टीम बादलों के लपेट में आ गई है, जाते हुए तो बादलों के बीच में घुस गए हैं। बारिश के बाद देखें कैसा मंजर हो गया ब्रोघिल पास का।